संजय मिश्रा हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी मेरे पास स्वास्थ्य संबंधित दो सवाल हैं। जी मैम। हाँ, वो पहला तो बवासीर और दूसरा है मुंह पर लाल लाल झाड़ियाँ आना। दूसरा सवाल दोबारा कहिए। दूसरा सवाल है मुंह पर लाल लाल झाड़ियाँ आना। समझ गए आप? नहीं हकीम साहब, मैम लाल आपकी लाल दाने, लाल लाल दाने नहीं, झाड़ियां टाइप का, निशान टाइप का ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मिश्रा साहब, नुस्खा एक है लेकिन फायदे अनेक हैं, और अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था। इसे दोनों फायदे होते हैं। मैंने कहा था स्किन रोग भी अच्छा होता है। चेहरे पे झाइयाँ हों, मुहासे हों, रौनक ना हो, पुरकशिश ना लगते हों, मुहासे हों और स्किन की कोई भी समस्या हो, उसके लिए मैंने बताया था। नुस्खा दोहरा देता हूँ। देखिए, ये सौंफ तो सभी जानती हैं महिलाएं, सौंफ, सौंठ, सौंठ भी जानती हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब आपके किचन में ही मिल जाते हैं। फिर से दोहराता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, और मेथी का दाना है ये, मेथी का बीज समझ लीजिए, मेथी का दाने को कहते हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। ये पाउडर रखें संभाल कर। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून एक विशेष नमक होता है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता लेकिन दिखता नमक जैसा ही, चख के देखो तो खारा सा या कड़वा सा, हल्का सा कड़वाहट सी होती है, पानी में मिला दो तो उसका स्वाद भी चला जाता है। नमक जैतून लें, ये अलग रखें। इसको आप एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है ये आप 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लें 2 गिलास में मिलाकर। आप देखेंगे कि पेट के पूरे सिस्टम के लिए, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन और कब्ज और लेटिन में इन्फेक्शन, बवासीर और ये चेहरे पर झाइयाँ, मुहासे और स्किन में ग्लो जो नहीं होती ना, चेहरा अजीब सा मुर्दा सा हो जाता है, रौनक नहीं रहती, उसके लिए अच्छा नुस्खा है। इन सब रोगों में काम करता है, स्किन में के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये खुराक 1 या 2 रोज़ाना लिया करें, खाने से पहले लें या बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से हैं तीरथ राम जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते जी। जी नमस्कार सर। मैंने हकीम साहब से बात करनी है। नमस्ते जी, स्वागत है तीरथ राम जी, आपका स्वागत। नमस्ते जनाब जय हिंद। हकीम साहब, मैंने माजून आर केयर डब्बे खा लिया है, मेरे को फर्क कुछ कम पड़ा है। अच्छा, देखिए ये माजून 1 चम्मच लें और इसमें आपके किचन में पीपलें होती हैं, पीपला मूल कहते हैं इसे। अब अपनी घर में जो जिम्मेदार हैं किचन के, उनको पता होगा, आप भी जानते होंगे, शहतूत जैसा होता है ना, शहतूत, सूखा हुआ शहतूत की तरह होती है, पीपला मूल या पीपलें कहते हैं। ये गरम मसालों में होती हैं, 1 1.25 इंच की लंबी होती है। इनको पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच जब आप इसे खाते हैं तो उसमें 1 चुटकी पीपला मूल का पाउडर मिला के खा लिया करें, आपको तेजी से फायदा मुमकिन है। दिल्ली से हैं शीतला प्रसाद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। स्वागत है आपका, जय हिंद भाई। हाँ सर, जो है आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो है आपके वहां से ये स्केयर मंगाया था अपनी वाइफ के लिए, तो उनका पैर जो 3 महीना हो गया खाते हुए, तो उनका पैर बिल्कुल जो है आराम हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया है।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो है कब तक उनको लेना पड़ेगा वो चीज, यस केयर, पहली बात जी। और दूसरा सवाल सर ये है कि हमारी जो है बेटी है 28 साल की, उनको जो है उनको वो थायराइड हो गया है, सूखने वाला, सूख रही है वो, तो उनके लिए क्या कुछ है वो चीज जानना चाहते थे। जरूर जरूर, पहले तो बहुत आपका धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। देखिए बस एक हम बात चाहते हैं आपसे कि जिस दवा से भी आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा पहुंचे तो उसे अपने तक ना रखें, इस बात को फैला दें अपने पूरे ख़ानदान में, परिवार में, आस पड़ोस में, ताकि जैसे आपकी पत्नी कितनी तकलीफ़ में थी और किस कदर भगवान ने फ़ायदा दिया, तो ये भगवान भी खुश होता है इससे कि अगर आप किसी को तकलीफ़ में राहत पहुंचा दें। तो मैंने ये मशवरे आप तक पहुंचाया और आप अपने सारे रिश्तेदारों तक इसका प्रचार प्रसार करें ताकि हर घर में इसके मरीज़ हैं, जिसके भी टांग में दर्द हो, घुटने में हो, कमर में हो, मोंडे में हो, हाथ में हो, जोड़ों में दर्द हो, नसों में हो, वो शख्स इसको ले सकता है। अब एक महीना और खाकर इसको छोड़ सकते हैं आपकी पत्नी, लेकिन आप वादा करिए कि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं और ये ज़रूरतमंदों तक इसकी बात पहुंचाएंगे, आप, आपकी पत्नी और बिटिया भी, ये आपसे मैं वादा चाहता हूँ। दूसरा, ये बच्ची भी फ़ायदा हो सकता है इसको। देखिए एक नुस्खा लिख लीजिए, आप ज़रूर लिख रहे होंगे, तो धनिया तो आप जानते हैं, धनिया 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला मिलता है सूखा हुआ, वो इन सबको खूब अच्छी तरह पाउडर बना लें किसी भी तरह, और ये पाउडर बनाकर रखें। अब इसको खाना कैसे है? एक आता है गोंद चिलगोजा, गम चिलगोजा असली लें, और ये भी रॉ मटेरियल है, इसको अलग से पाउडर बनाकर रखना है। और सुबह को जैसे बच्ची थायराइड की गोली ज़रूर खाती होगी, तो वो थायराइड की गोली खाए, उसके बाद ये जो पाउडर बनाया है ये इसको खिला दें। इसमें एक चुटकी, मात्र एक चुटकी, ये जो तीन चीज़ों का पाउडर बनाया है उसमें मिला के एक चम्मच भर के खा लें और पानी पी लें। ये एक ही खुराक रोज़ाना देनी है और वो दवाई भी नहीं छोड़नी। फिर आप जब भी उसका टेस्ट कराएंगे, पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट में देखें क्या फ़र्क पड़ रहा है। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, देखिए जो आप दवा खा रहे हैं वो तो जीवन भर खानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये लगातार आप 7-8 महीने कम ज़्यादा लेंगे तो आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा और आपके डॉक्टर को भी खुशी होगी कि उनका थायराइड कंट्रोल होने लगा। चंदौली से अगले कॉलर आशिफा, स्वागत है आपका। जी चंदौली नहीं, चंदौसी। चंदौसी से जी, बताइए मैम। जी अकील जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आशिफा, आपका नाम भी तो खराब कर दिया इन्होंने। बताइए अकील जी, वैसे तो मेरा आपके यहाँ से काफी इलाज हो रहा है और दवाई से फायदा भी होता है, मतलब मुझे ना मेरा आर एफ फैक्टर पॉजिटिव है काफी टाइम, बहुत लंबे टाइम से मेरी बात आपसे होती रहती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मुझे ऐसा होता है जैसे आराम होता है ना, एक जख्म की तरह जैसे आराम होता है फिर वो हरा हो जाता है, बिल्कुल यही सिस्टम मेरी तकलीफ का है कि आराम भी मिलता है मगर फिर एकदम तकलीफ मुझे बिल्कुल एकदम उबड़ जाती है। कितने दिन लिया आपने इलाज? नहीं, आपके यहाँ से इलाज मेरा काफी टाइम से हो रहा है, करीब मुझे 3 साल हो गए। अरे बहुत ज्यादा लंबा इलाज किया, तो कितना फायदा में है अब आप? नहीं फायदा बिल्कुल है, लेकिन अभी 100 वैसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इतना फायदा है कि मैं जो दवाई 2 टाइम लेती थी उसमें एलोपैथ में, वो 1 टाइम लेनी पड़ती है अभी।
ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, वैसे तो मैं आपके डॉक्टरों से बात करती रहती हूँ, आपसे बाद में जुड़ी हूँ, पहले आपकी संस्था से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, आपसे बाद मेरी बाद में हुई है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे चंदौसी में ये चैनल ज्यादा देखा जाता है, इसकी वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग आपका प्रोग्राम देखें और आपकी दवाई मंगाएं। ठीक, आशिफा आप बहुत बर्दाश्त वाली हैं और आर एफ फैक्टर बहुत ज़्यादा आपका है, कभी ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है, आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसे छोड़े नहीं। और अलसी आप जानती हैं, अलसी को हल्का सा पाउडर बना लें, भून कर पाउडर बना के रख लें, साफ ज़रूर कर लेना, उसमें कंकर पत्थर बहुत मिला देते हैं, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम ये ज़रूर खाया करें और दवाई जारी रखें। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि वो आपको नुकसान देती है उसको छोड़ दें, और मैं दुआ ख़ास करूँगा कि अल्लाह आपको इतना फ़ायदा दे दे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बहुत प्यारी बच्ची हैं, हमने दुआ भी करेंगे आपके लिए कि आपको फ़ायदा हो जाए। MP से हैं सुहाना, स्वागत आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम। मेरे किस्सा वाले हकीम साहब। जी जी फरमाइए। मैडम आई है, एक तो मेरे शोहर का सवाल है, उनकी तबीयत अभी 3 दिन से खराब हो गई थी, सर्दी बुखार जुकाम ये हो गया था, तो वो तो ठीक हो गया, पर सर दुखता बंद नहीं हो रहा, एक उनके लिए कुछ बताना। और दूसरा सवाल है मेरा कि मेरा टाइम आया है मैडम महावारी, तो मेरा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 3 दिन होगा बंद नहीं हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा जा रही है, और वो एलोवेरा का सिरके की पहचान क्या है, हकीम साहब बताते सीने के लिए। ठीक है ठीक है। एलोवेरा का सिरका देखो रेपुटेशन होती है, मैंने एलोवेरा के जितने सिरके हैं सब मंगाए और सबको चेक किया, तकरीबन 10-12 सिरके मार्केट में हैं, एक तो वो चॉकलेटी नहीं है, चॉकलेट कलर का यानी ब्राउन कलर का होता है वो, और मैंने देखा कितने लोगों ने ये किया हुआ है कि वो सिरका एलोवेरा का नहीं है तो उन्होंने एलोवेरा डाल रखा है उसमें, तो ब्राउन कलर का होता है और कंपनीज़ की रेपुटेशन होती है, वो अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी करते हैं, तो रेपुटेटेड कंपनी का आप लें, ब्राउन कलर का होता है, तेज़ होता है, जैसे चाय बनने के बाद हो जाती है ना ऐसे रंग का होता है, तो वो आप लें और उन उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके महावारी में फ़र्क पड़ना चाहिए। और जो उनको भाई को दर्द है उसके लिए अगर किसी भी दवा से फ़ायदा ना हो, क्योंकि यूनानी तो इसलिए है कि जब किसी से फ़ायदा ना हो तो ये ले, तो गौंसिया आधा आधा ग्राम दिन में 2 बार दे, असली गौंसिया। और इनको देखना हो अगर आपको कैसे होते हैं तो मेरा फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पर हकीम सुलेमान खान के नाम से जो मेरा पेज है उस पर क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब करें, तो कौन सी दवा कैसी होती है सब दिखाया गया है, धोखे में ना आए पहले वो देख लें। तो भाई को गौंसिया देखना हो कैसा होता है तो ये गौंसिया लेकर आधा आधा ग्राम 2 बार दिन में दें, खाने के बाद दें, दूध से दें तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल था इनका? ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। हाँ, उसके लिए नुस्खा इनको पास है लेकिन अभी मिला नहीं है इनको। बहुत शुक्रिया। हरियाणा से हैं अनीशा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरी ना गुड़िया है 17 साल की, तो उसको ना मुंह में छाले पड़े हुए हैं और उसका ना गला भी पका हुआ है और उसको भूख भी नहीं लगती ठीक से। ठीक है ठीक है। और जलन सी रहती है छाती में थोड़ी सी। और एक मेरा भाई है 30 साल का, उसका ना पेट बढ़ा हुआ है, 80 किलो वजन है उसका। ठीक है ठीक है।
अच्छा देखिए, आपकी भी आवाज़ गुड़ियों जैसी है, बच्चों जैसी, लेकिन आपकी गुड़िया ही 17 साल की बहुत अलग टाइप की आवाज़ है आपकी, बच्चों जैसी, माफ़ कीजिएगा बुरा नहीं माने। और गुड़िया के लिए एक तो नारियल खिलाया करें, नारियल आता ना कच्चा नारियल, वो खिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, इसी से फ़ायदा होना मुमकिन है। खूब कसरत से खिलाएं, मतलब ज़्यादा खिलाएं, कसरत मतलब ज़्यादा खिलाएं, और कोई चीज़ गर्म खाती है तो उसे रोक दें, और इससे उसको हाजमा भी अच्छा होता है। ये तो एक घरेलू नुस्खा मैंने बता दिया। अच्छा देखिए, धनिया 200 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम, इनका पाउडर बना लें, इसको पीस लें, पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं। नमक जैतून असली लेना, 2 गिलास पानी में मिलाकर गुड़िया को आप एक चम्मच ये जो पाउडर बनाया है खिला दें, छोटा चाय का चम्मच भर के, और ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें। आपकी बच्ची की सारी परेशानियाँ अच्छी होना मुमकिन है। और आपका भाई जिसका पेट ज़्यादा है, एक तो उसे खाना कम करना पड़ेगा, जितनी खुराक है उससे आधी कर दें, और 1 घंटा पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिया करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक आता है ज़ीरे का सिरका, ज़ीरे का सिरका, ज़ीरा तो आप जानते हैं, इसका सिरका आता है, ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिया करें, तो ये वज़न का, कोलेस्ट्रॉल का और पेट का दुश्मन है। आप इन्हें ये मंगा के दीजिए, ज़ीरे का सिरका लेना है, याद रखें और इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं।